सब पीपल, आज का गिटार लेसन है फा बागा रे गाइस। ये गढ़वाली लेसन है। ये सॉन्ग बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है आजकल, टिकटॉक पे भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो मैं सोचा इसका गिटार लेसन बना दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। इसमें मैं आपको कॉर्ड्स और रिदम, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रिदम है, हार्ट बीट स्टाइल रिदम है, और आपका इंट्रो पार्ट बताऊंगा गाइस मैं, इसमें कैसे इंट्रो चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। स्टार्टिंग मैं आपको बता देता हूँ इसमें सबसे पहले कॉर्ड्स कौन कौन सी यूज होने वाली हैं। तो सबसे पहले गाइस सी शार्प, ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर एंड एफ शार्प मेजर। तो सबसे पहले सी शार्प पकड़ने के लिए क्या करेंगे गाइस, अपना फर्स्ट फ्रेट सॉरी फोर्थ फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से बार बना लेंगे। ओके गाइस, ये आपने बार बना ली है। देन सिक्स्थ फ्रेट पे आप पकड़ेंगे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग पकड़ेंगे अपनी रिंग फिंगर से। ओके गाइस, ऐसे साउंड करना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं तो आप क्या करिए, विंकी फिंगर अपनी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से आप तीनों स्ट्रिंग पकड़ सकते हैं सिक्स बार में, और जो फर्स्ट फिंगर है वो आप फोर्थ फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पकड़ सकते हैं। ओके गाइस, साउंड ऐसा होगा। और देन उसके बाद पकड़ना है आपने ए शार्प माइनर। ओके गाइस, ए शार्प माइनर कैसे पकड़ना है, सिक्स्थ फ्रेट पे आपने बार बनाना है। देन आपने क्या करना है, एट्थ फ्रेट पे फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग पकड़नी है। फोर्थ कैसे पकड़नी है, आपने अपनी लिटिल फिंगर से पकड़नी है एंड रिंग फिंगर से आपने फिफ्थ स्ट्रिंग पकड़नी है। ओके गाइस, ये आपका ए शार्प माइनर हो गया। देन क्या करेंगे, इस डॉट के यहाँ ले आएंगे, एक पीछे ले आएंगे, एक स्टेप पीछे, और ये आपका बन गया जी शार्प मेजर। और जी शार्प मेजर कैसे बना गाइस, ये दोनों पोजीशन, ये जो आपने यहाँ पे बनाया था ए शार्प माइनर बनाया था, देन यहाँ पे आप लेके आएंगे इसको फोर्थ फ्रेट पे बार होना चाहिए, और नीचे से आप जो मिडिल वाला बच रहा है आपका वन टू थ्री पे आप अपनी मिडिल फिंगर रखेंगे, ये जी शार्प मेजर बन गया है। देन एक फ्रेट और आगे ले जाएंगे तो ये एफ शार्प मेजर बन जाएगा गाइस। ओके, एक एक बार फिर देख लेते हैं, सी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर एंड एफ शार्प मेजर। ओके गाइस, और स्टार्टिंग देखते हैं गाइस गाने की कैसे हो रखी है। इसमें स्टार्टिंग में इंट्रो भी है थोड़ा सा, वो आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, इंट्रो प्ले करने के लिए क्या करना है, अपने सिक्स्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग अपनी फर्स्ट फिंगर से पकड़नी है, और आपने क्या करना है सिक्स एट फोर्थ स्ट्रिंग पे सिक्स एट, देन सिक्स नीचे वाले पे थर्ड स्ट्रिंग पे सिक्स फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे, जैसे आपने ऊपर से करा सिक्स एट एंड देन थर्ड स्ट्रिंग पे सिक्स एंड देन अगेन थर्ड पे एट, एट पे आना है एट फ्रेट पे अपने रिंग फिंगर से सिक्स टाइम प्ले करना है। फिर से देख लिया गाइस, सिक्स एट देन थर्ड स्ट्रिंग पे सिक्स एट, इसमें सिक्स टाइम प्ले करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देन सेवन पे स्लाइड करना है आपने, टेन पे आना है। ओके, एट से स्लाइड करके टेन पे आना है। एक बार शुरू से देख लेते हैं, सिक्स एट
6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, then 7th, जो 7th वाला आप प्ले करेंगे उस पर स्लाइड करके आप 10th पे आना है. ओके गाइस, एक बार फिर देख लेते हैं. 6, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे स्लाइड करके आप 10 पे आ गए. देन अगेन 8 पे आप बैक पीछे स्लाइड करेंगे. ओके, 8 से स्लाइड करके 6 पे आया. देन फिर अगेन 8, 4th स्ट्रिंग 8, देन अगेन 6. ओके गाइस, अगेन 6 फिर से देख लेते हैं. आप 6 टाइम प्ले करा, फिर 7 पे स्लाइड करके 10 पे आए आप, फिर 10 से पीछे करके 8 पे, फिर 8 से पीछे करके 6 पे, फिर 8, 4th स्ट्रिंग 8, देन अगेन 6, 3rd स्ट्रिंग 6. एक बार पूरा देख लेते हैं. ओके गाइस, ये तो स्टार्टिंग वाला इंट्रो हो गया है. देन अब रिदम और कॉर्ड्स देख लेते हैं गाइस. तो रिदम एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन देख लेते हैं कैसे चल रहा है. सबसे पहले मैं आपको गाइस रिदम बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. गाइस इसमें रिदम कैसे स्टार्ट है, बीट देनी है आपने पहले. ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, इससे आपने बीट करनी है इस वाले पोर्शन पे. गाइस ये जो पोर्शन है इस पे आपने ऐसे मारना है, बीट देनी है. ओके गाइस, देन ये जो आपका फिंगर्स हैं ये आपने नीचे को डाउन करनी है पूरी फिंगर पे. ओके गाइस, फिर एक बीट के साथ एक रिदम में आना है. ओके गाइस, यही पूरे गाने में ऐसी बीट चल रही है. एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं. अरे मरी जाओ मेरा, अरे मरी जाओ मेरा, गडवल ना भाग लगो, गडवल ना भाग लगो, भाग किच डरा मेरे फोन मारा रे, सच्ची भाग किच डरा मेरे फोन मारा रे. ओके गाइस, तो रिदम ऐसे चलेगी. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी रिदम लिख दूंगा और ऊपर भी आती रहेगी कॉर्ड्स के साथ साथ कि गाने के साथ साथ कैसे कैसे प्ले हो रखा है. तो अब मैं सॉन्ग के साथ आपको प्ले करके बताता हूँ, और सॉन्ग के साथ जो सॉन्ग भी चलता रहेगा कॉर्ड प्रोग्रेशन भी आती रहेगी, और मैं बताता भी रहूँगा कि कहाँ पे क्या कैसे प्रोग्रेशन चलेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके गाइस, तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे चालू होगा ये. मारी जालो मेरा पे सी शार्प एंड ए शार्प माइनर. मारी जालो मेरा, मारी जालो मेरा, फिर जी शार्प, फिर एफ शार्प मेजर. बाग लगियो गडवाले ने बाग लगियो, फिर अगेन बाग किच डरा मेरे फोन बगारे. ओके गाइस, देन सच्ची वाला जो एकदम से वर्ड बोलते हैं सच्ची, तो उस पे सी शार्प पे अगेन चालू हो जाएंगे. देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. Okay.
सच्ची वाले पे आपने क्या करना है, जैसे सच्ची सच्ची पे आप एकदम से जो वर्डिंग है सच्ची वाली उस पे सी शार्प पे आके देन ए शार्प माइनर फिर जी शार्प मेजर फिर एफ शार्प मेजर अगेन, ठीक है गाइस। पूरे गाने में ऐसे ही चलेगा जहाँ पे सच्ची बोलते हैं और जो कल्पना चौहान मैम भी बोल रही हैं वहाँ से भी चेंज हो जाता है, यही वाला प्रोग्रेशन आ जाता है। आप समझ लीजिए गाइस प्रोग्रेशन कैसा है, पहले सी शार्प ए शार्प माइनर सी शार्प देन ए शार्प माइनर देन जी शार्प मेजर एफ शार्प मेजर 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 देन वो बोलते हैं सच्ची वाला जो लाइन आती है उससे सी शार्प से चालू हो जाएगा, सी शार्प ए शार्प माइनर जी शार्प मेजर एंड एफ शार्प मेजर। ओके गाइस मैं प्ले करके बता देता हूँ। आप ध्यान देना गाइस, तो एक यहाँ पे भी थोड़ा बजा रखा है इन्होंने, प्ले कर रखा है, ओके। तो इसको प्ले करने के लिए क्या करेंगे गाइस, सेम वैसी ही है बस इसमें क्या करना है, जो सिक्स है फिफ्थ फोर्थ स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग को आप थ्री टाइम प्ले करेंगे, वन टू थ्री को गाइस, वन टू थ्री देन एट को ही प्ले करना है, एट स्ट्रिंग पे ही प्ले करना है आपने, अपनी रिंग फिंगर से पकड़ना है फोर्थ स्ट्रिंग को और एट फ्रेट पे इसको टू टाइम प्ले करना है, वन टू थ्री वन टू वन टू देन अगेन सिक्स फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग पकड़नी है, इसको 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 भी टू टाइम प्ले करना है गाइस। और जो ये एट्थ वाली है अपनी रिंग फिंगर से पकड़ेंगे आप एट फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग रिंग फिंगर से, इसको टू टाइम प्ले करना है, कैसे गाइस, थोड़ा पाउस लेके वन सेकंड का शुरू से देख लीजिए, देन अगेन वही है स्लाइड, टू टाइम प्ले करने के बाद देन थर्ड वाले पे स्लाइड करना है आपने, ओके गाइस, टू टाइम वन एंड वन सेकेंड का पॉज देन अगेन वन देन थर्ड वाला जो आप प्ले करेंगे उस पे स्लाइड करके आप टेंथ पे आएंगे, फिर अगेन एट्थ फिर सिक्स देन एट देन सिक्स, ओके okay, इसमें क्या करना है, इसमें स्लाइड टेंथ से स्लाइड नहीं करना है, ओके गाइस टेंथ से स्लाइड नहीं करना है, इसमें कैसे करना है, ओके थ्री टाइम ये कर दिया आपने तब स्लाइड करके टेंथ पे आए, फिर आप टेंथ पे आ गए तब एट से आप सिक्स पे आएंगे, एट से आप थर्ड स्ट्रिंग से एट से सिक्स पे स्लाइड करेंगे देन फोर्थ स्ट्रिंग एट थर्ड स्ट्रिंग सिक्स्थ, ओके गाइस,
होप सो आपको गाइस समझ में आ गया हो, ये दूसरा वाला इंट्रो पार्ट ही है। स्टार्टिंग में भी ऐसी प्ले हो रखा है, देन बीच में भी ऐसी प्ले हो रखा है, और सारा सॉन्ग में कॉर्ड प्रोग्रेशन यही रहेगी गाइस जो मैंने बताई है आपको। होप सो गाइस आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। रिदम भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, हार्ट बीट स्टाइल, और बहुत ही इजी रिदम है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है गाइस। एक बार आप अगर आपने कैच कर लिया तो आप प्ले करेंगे, बहुत सारे गानों में भी यही रिदम प्ले हो रखी है। ओके गाइस, अगर ये लेसन आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड कमेंट भी कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।